सिंगल फेस मोटर होती है, जब भी आप अपने घर में कोई भी प्रकार के सिंगल फेस की मोटर, जैसे मान लीजिए समरसिबल का है या टुल्लू पंप है या इंडस्ट्री में भी आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई सिंगल फेस की मोटर है, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि इसका करंट कितना होगा, यदि हम इसको चलाते हैं तो करंट कितना होगा और किस प्रकार से आप कितने प्रकार से चलाएंगे और कितने प्रकार की करंट इसमें से निकालेंगे। पहला होता है आपका मोटर का फुल लोड करंट। आप सोचते होंगे कि ये कितना होता है, मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है, जब मोटर स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट में शुरू में जब आप सप्लाई को चालू करते हैं उसमें, तो कितना वो करंट लेती है, और मोटर का नो लोड करंट, जब मोटर के साथ कोई भी लोड ना कनेक्टेड हो। अब लोड का मतलब क्या होता है, लोड का मतलब ये होता है कि देखिए मोटर से जो भी आप आउटपुट लेते हैं, आप क्या आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, विद्युत ऊर्जा उसको दी, और फिर उससे आपको क्या मिलता है, मोटर से आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ पे मिलती है, इस शाफ्ट पे मिलती है मैकेनिकल एनर्जी आपको। इस शाफ्ट में आप पुली फिट कर देते हैं और फिर उससे जिस चीज़ को चलाना होता है उसको चलाते हैं। तो मोटर के ऊपर जो लोड आप कनेक्टेड करते हैं वो यही होता है, मैकेनिकल लोड यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और मोटर में जो सप्लाई दी जाती है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, वो यहाँ पर दी जाती है। मतलब मोटर को जब आप कौन सी सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, और आउटपुट में आपको क्या मिलता है, मैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी आपको प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है, मतलब जब मोटर को हम चला सप्लाई देते हैं, तो उसके बाद जैसे ही मोटर को सप्लाई देते हैं तो मोटर का जो फुल लोड करंट होता है वो कितना होता है, स्टार्टिंग करंट कितना होता है और नो लोड करंट कितना होता है सिंगल फेस मोटर का, इसको आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप आए हैं। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट ट्रिक होगी कि आपको मैं यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन बताऊंगा पूरी वीडियो के दौरान, लेकिन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एकदम शॉर्टकट ट्रिक से आप लगभग आप एकदम से पता कर सकते हैं कि मोटर का जो फुल लोड करंट है वो कितना होता है। और जब फुल लोड करंट पता चल जाएगा तो आप स्टार्टिंग करंट भी निकाल लेंगे और नो लोड करंट भी निकाल लेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देखिए ये मोटर है, उसकी ये नेम प्लेट है, ये जो मोटर है हमारी वो 1.5 किलोवाट की हमारी मोटर है। इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इसका जो वोल्टेज है वो 220 से लेकर के 240 वोल्ट के बीच में है, इसका जो वोल्टेज है। अब आइए सबसे पहले इसको हम तीनों चीज़ें ये कैलकुलेट करते हैं, मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट। तो इस जो ये जो मोटर है हमारी वह किसकी पावर कितनी है, 1.5 किलोवाट की पावर है, 1.5 किलोवाट की पावर है। अब देखिए जो क्योंकि किलोवाट में ये पावर है तो किलोवाट को आप वाट में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए किलोवाट को वाट में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 वाट बराबर होता है 1 किलोवाट। तो जब हम इससे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 वाट आ जाएगा, मतलब जो 1.5 किलोवाट की जो मोटर है वो वाट में कितनी होगी, 1500 वाट की मोटर होगी। इसके अलावा वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट है, और जो पावर फैक्टर है वो 0.8 है, क्योंकि मोटर में दिया नहीं गया है तो मैंने 0.8 कंसीडर कर लिया है, जो कि एवरेज पावर फैक्टर होता है। अब देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि मोटर का जो फुल लोड करंट है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला होता है आई इजकल टू पावर अपान वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर, ये सिंगल फेस मोटर के लिए होता है। तो चूंकि पावर आपने कितनी कैलकुलेट की थी, 1500 वाट लिख दिया हमने, वोल्टेज हमारा कितना था 230 वोल्ट था लिख दिया, इंटू 0.8 पावर फैक्टर हमारा था वो भी लिख दिया। अब चूंकि 1500 बट्टे इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 184, और जब 184 का आप डिवाइड करेंगे 1500 में तो आ जाएगा 8.15 एम्पियर, या आ जाएगा ये मोटर का फुल लोड करंट होगा। तो आपने इस फार्मूले की मदद से मोटर का जो फुल लोड करंट था वो कैलकुलेट कर लिया, मोटर का आपको फुल लोड करंट मिल गया। अब इसी के आधार पर अब आपको मोटर का जो नो लोड करंट है वो कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, इसके अलावा जो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है वो भी कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, लास्ट में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। तो अब आइए समझते हैं कि मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो कितना होगा। तो देखिए जब मोटर कोई भी मोटर हो, चाहे सिंगल फेस की मोटर हो चाहे थ्री फेस की मोटर हो, वो जब स्टार्ट होती है मतलब शुरुआती पोजीशन में जब स्टार्ट होती है तो 6 से लेकर के 8 गुना तक करंट लेती है अपने फुल लोड करंट का। तो चूंकि मोटर का जो फुल लोड करंट था वो कितना निकाला था हमने, 8.15 इंटू चूंकि 6 गुना है तो 6 गुना हमने निकाल लिया, 48.9 एम्पियर आ गया। अब उसी का हमने 8 गुना निकाल लिया तो 65.2 एम्पियर निकल के आया।
तो देखिए, चूंकि क्या मैंने बताया कि 6 से लेकर के 8 गुना के बीच में करंट लेगी मोटर, तो हम इसका बीच का हम 7 गुना ले लेते हैं। ये जो है इसके बीच में 57.05 एम्पियर का करंट लेगी स्टार्टिंग में, इसके बीच में, मतलब ये 48.9 एम्पियर से लेकर के 65.2 एम्पियर के बीच में लेगी। हो सकता है क्योंकि बीच में 7 गुना अगर करंट ले लेती है तो इतना ले लेगी, और नहीं इन दोनों के बीच में वैरी करेगा ये करंट, इतना कम से कम और इतना अधिक से अधिक मोटर करंट लेगी। ठीक है, अगर मोटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तब 6 से 8 गुना के बीच में करंट लेगी, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब जो मोटर है हमारी, उस मोटर का हम नो लोड करंट कैलकुलेट करते हैं, तो नो लोड जो करंट होता है किसी भी मोटर का वो 30 से लेकर के 35% के बीच में होता है। किसी मोटर का जो फुल लोड करंट होता है उसका 30 से 35% के बीच में करंट होता है नो लोड करंट, जब मोटर के पास कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड नहीं होता है उसके शाफ्ट पर। तो 8.15 इसका फुल लोड करंट था, इसका 30% हम जब निकालेंगे तो 2.44 आ जाएगा, और जब 8.15 का जब हम 35% निकालेंगे तो 2.85 आ जाएगा। मतलब जो मोटर का जो नो लोड करंट होगा वो इन दोनों के बीच में इसका नो लोड करंट होगा, 2.44 से लेकर के 2.85 के बीच में मोटर का नो लोड करंट होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब मोटर का जो फुल लोड करंट है वो आप समझ गए निकालना, मोटर का स्टार्टिंग करंट कितना होता है वो समझ गए, और मोटर का नो लोड करंट कितना होता है वो आप समझ गए। अब जो मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा कि मोटर का जो फुल लोड करंट है उसको निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो देखिए शॉर्टकट जो तरीका है, जब आप किलोवाट से एम्पियर आपको निकालना है फुल लोड करंट, कैसे निकालेंगे तो किलोवाट में आप 5.4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए 1.5 किलोवाट की मोटर थी, ठीक है, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5.4 तो इक्वल टू 18.1 आ गया। ठीक है, हमारी फुल लोड करंट कितनी थी, 8.15 है, 8.1 के आसपास आ गए आप, तो लगभग आप पहुंच गए। मतलब 5.4 से यदि आप उसके किलोवाट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको करंट मिल जाएगा सिंगल फेस मोटर में, उसका फुल लोड करंट आप 5.4 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। उसके अलावा यदि आप एचपी से यदि आप करंट निकालते हैं फुल लोड करंट, तो देखिए जो 1.5 किलोवाट की यदि मोटर है इसको जब आप एचपी में चेंज करेंगे तो यह 2 एचपी की मोटर बन जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वाट मिल जाएगा, उसमें 746 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एचपी। तो एचपी आपको, तो चूंकि देखिए एचपी में यदि आप 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको लगभग करंट मिल जाएगा, तो एचपी हमारा 2 है। ठीक है, ये 2 एचपी की मोटर है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 एम्पियर के आसपास करंट आपको मिल गया, और लगभग आपका करंट 8.15 है ही, तो लगभग आप पहुंच गए। तो शॉर्टकट तरीका यह है कि अगर आप किलोवाट से जो करंट निकालते हैं तो 5.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किलोवाट में, और यदि आप एचपी से निकाल रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको करंट मिल जाएगा जो फुल लोड करंट होगा। तो इस प्रकार से आप सिंगल फेस मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आज की इस वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न यह है कि जो पंखा है वो किस डायरेक्शन में घूमता है, जो सीलिंग फैन होता है वो किस डायरेक्शन में घूमता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, उनको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जय हिंद।